अगर कोई मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो उसे मिलकर 100 थप्पड़ मारो। ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। मुसलमानों को किसी ने बुरी नजर से देखा तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री नहीं लफड़ा मंत्री हैं। कोई नहीं जानता कि ये कपड़ा मंत्री है, पूरा बिहार इनको जानता है कि ये लफड़ा मंत्री है। मेरी लाश पर उन्हें ये यात्रा करनी होगी। पप्पू यादव का बयान, यदि अमन बिगाड़ने की कोशिश हुई तो मेरे लाश पर चलना होगा आपसे। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर भयंकर बवाल, अगर कोई मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो उसे मिलकर 100 थप्पड़ मारो। ये बयान बीजेपी के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह का है। जी हां, बिहार के किशनगंज में हिंदू स्वाभिमान यात्रा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के भड़काऊ बयान से देश भर में एक बार फिर बवाल मच गया है। ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। ये करेंगे, भाई और बहन दोनों से कह रहा हूं, तो महादेव का कसम मन मन खाओ, हाथ उठा के कहो हरा हरा महादेव। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब मिलकर के इकट्ठा हो और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, बटोगे तो कटोगे, तुम खुद कह रहे हो दीदी। और इसलिए हर लोग अपने घर में महादेव का दिया हुआ, देवी का दिया हुआ, दुर्गा मैया के हाथ में तलवार रहता है ना, शंकर जी के त्रिशूल रहता है ना, भाला भी रहता है ना, अपने अपने घर में उसकी पूजा करो, और कोई आए दुश्मन तो उससे अपनी रक्षा भी करो। वहीं गिरिराज सिंह पर अब बड़ा बयान देते हुए राजद नेता संजय यादव ने कहा है कि गिरिराज सिंह के मन का पेंडुलम बकवास और बकबक और बड़बड़ बेकारी और बर्बादी और हिंदू और मुसलमान के बीच घूमता रहता है। नरेंद्र मोदी ने उन्हें कपड़ा नहीं लफड़ा मंत्री बना रखा है। कोई नहीं जानता कि ये कपड़ा मंत्री है, पूरा बिहार इनको जानता है कि ये लफड़ा मंत्री है। इनका जो गिरिराज सिंह का मन का पेंडुलम है ना, वो खाली बकवास और बकवाद, बेकारी और बर्बादी, बकबक और बड़बड़ तथा हिंदू और मुसलमान के बीच ही झूलता रहता है। वो कभी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सड़क की, बिजली की, पानी की, विकास की, नौकरी की, गरीबी की, बेरोजगारी की कभी कोई बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके पास मुद्दा ही नहीं है, उनको लफड़ा के लिए तो रखा ही हुआ है बीजेपी ने और प्रधानमंत्री जी ने। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस समय बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं। उनकी इस यात्रा पर विपक्ष लगातार हमलावर है। जहां एक तरफ गिरिराज लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं तो वहीं राजद के नेता तेजस्वी यादव समेत पप्पू यादव उन पर हमलावर हैं। तेजस्वी यादव ने तो ये तक कहा है कि मुसलमानों को किसी ने बुरी नजर से देखी तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। वो बात केवल कर रहे हैं कि एक भाई को दूसरे भाई से किस प्रकार से लड़ाने का काम किया जाए, हिंदू मुसलमान को जो है किस प्रकार से जो है लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूँ, खंडन करता हूँ। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। वहीं इसके जवाब में गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव ईंट से ईंट बजा देने की बात कर रहे हैं, लगता है और लोग चूड़ी पहनकर बैठे हुए हैं और ये ईंट से ईंट बजा देंगे। वहीं पप्पू यादव भी गिरिराज पर हमला कर रहे हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह की यात्रा पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरी लाश पर उन्हें ये यात्रा करनी होगी,
जिसके बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि पूर्णिया में लोग कह रहे हैं कि मेरे लाश से गुजरना होगा, मैं लाश पर नहीं बल्कि जिंदा लोगों की छाती पर होकर हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकला हूँ। तो कोशी सीमांचल के विकास के लिए यात्रा करें ना, आप दीजिए फैक्ट्री, बाढ़ से मुक्ति दिलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्वार्थ बिगाड़ने की इजाजत हम नहीं दें। यदि अमन बिगाड़ने की कोशिश हुई तो मेरे लाश पर चलना होगा, आपसे मर जाएंगे, कोशी सीमांचल का स्वार्थ बिगड़ने नहीं दें। चलिए अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल बीजेपी नेता गिरिराज सिंह इन दिनों अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे खुलेआम भड़काऊ भाषण देते हुए हिंदुओं से अपने घरों में त्रिशूल, भाला, तलवार और बंदूक रखने की अपील कर रहे हैं। यात्रा शुरू करते हुए उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि वे जातीय समीकरण देखकर चुनाव लड़े, जबकि वे हिंदू होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे चाहते थे कि किशनगंज से चुनाव लड़े, भले हार जाएं। आपको बता दें कि किशनगंज में 80% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। अब सवाल है कि उन्हें हिंदू होकर लड़ने से किसने रोका। वे 3 बार से अपनी जाति की बहुलता वाली बेगूसराय सीट से लड़ रहे हैं। बहरहाल वे जो कुछ बोल रहे हैं उस पर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मौन है, यानी गिरिराज सिंह की यात्रा को उनका मौन समर्थन है। ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। आपको बता दें कि ये पहला मौका है जब केंद्रीय मंत्री के रूप में संवैधानिक पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति इस तरह खुले तौर पर सांप्रदायिक विभाजनकारी बातें कर रहा है। गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर राज्य में विवाद हो रहा है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने इस यात्रा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी गिरिराज सिंह को चुनौती देते हुए कहा है कि यात्रा मेरी लाश पर से होकर गुजरेगी। सबको पता है कि मुस्लिम आबादी बहुल सीमांचल में यात्रा का मकसद पूरे प्रदेश में सांप्रदायिक विभाजन का माहौल बनाना है। वहीं गिरिराज की इस यात्रा पर तेजस्वी यादव ने हमला करते हुए कहा कि मुसलमानों को किसी ने बुरी नजर से देखा तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूँ, खंडन करता हूँ। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। जिसके बाद बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव ईंट से ईंट बजा देने की बात कर रहे हैं, लगता है कि और लोग चूड़ी पहनकर बैठे हुए हैं और ये ईंट से ईंट बजा देंगे। लालू यादव पुत्र मोह में हर दिन मजार पर आप जाइए, आप हिंदुओं को गाली दीजिए, हिंदुओं को मरवा दीजिए, आप दंगा कराना चाहते हैं और फुलवारी शरीफ दोहराना चाहते हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों रोहिंग्या की आरती उतारते रहे हैं, मजार में जाते रहे हैं। अब बिहार में जंगल राज चला गया, ये नीतीश कुमार का राज है। वहीं तेजस्वी यादव ने इस यात्रा को लेकर दोबारा कहा कि गिरिराज सिंह कहीं गरीबी मिटाने या मेघई की बात करने नहीं गए हैं। तेजस्वी के मुताबिक गिरिराज सिंह हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पप्पू यादव के बयान पर गिरिराज सिंह ने इशारों ही इशारों में जमकर हमला बोला। दरअसल पप्पू यादव कुछ दिनों से गिरिराज सिंह की यात्रा पर लगातार सवाल उठा रहे थे। ऐसे में अररिया में गिरिराज सिंह ने सांसद पप्पू यादव का बिना नाम लिए हुए तंज कसते हुए कहा कि पूर्णिया में लोग कह रहे हैं कि मेरे लाश से गुजरना होगा, मैं लाश पर नहीं बल्कि जिंदा लोगों की छाती से होकर हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकला हूं। वहीं इससे पहले हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर पूर्णिया पहुंचे गिरिराज सिंह ने कहा था कि भागलपुर में और बेगूसराय में मुसलमान ने हिंदू देवी देवताओं को खंडित किया और प्रशासन कह रही है कि ये शराबी का काम है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, राजद और कांग्रेस की ये साजिश है। राहुल गांधी और राजद देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। राहुल गांधी तो अपने ननिहाल यानी इटली भाग जाएंगे, लेकिन तुम कहां भागोगे? इसलिए जब तक हिंदू एक नहीं होंगे तो ऐसे ही कटते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पूर्णिया सांसद का बिना नाम लिए कहा कि हिंदू एकजुटता की उनकी ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी ये यात्रा लाश पर नहीं बल्कि जिंदा लोगों के छाती से होकर गुजरने के लिए निकली है। दरअसल पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पिछले दिनों गिरिराज के सीमांचल में यात्रा पर सवाल खड़ा किया था और कहा था कि अगर अमन चैन की स्थिति बिगड़ी तो केंद्रीय मंत्री को उनके लाश से होकर गुजरना होगा। पप्पू यादव के इस बयान का काट के रूप में इसे देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदुओं की एकजुटता पर बल दिया और कहा कि बटोगे तो बिखरोगे। उन्होंने लकड़ी और उसके गट्ठर का उदाहरण देते हुए हिंदुओं को
एकजुट होने की अपील की। साथ ही बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार की दुहाई देते हुए मजबूती के साथ एकजुट रहने का आह्वान किया। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह की इस यात्रा पर बिहार से लेकर दिल्ली तक भूचाल मचा हुआ है। लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं।